आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। अवैध खनन को लेकर प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपनी ही पार्टी के नेताओं से घिरी हुई है। एक बार फिर कांग्रेस की महिला विधायक ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। महिला विधायक ने एक सभा के दौरान पार्टी से धोखा मिलने की बात की है और रेत का अवैध खनन रोक पाने में असमर्थता जाहिर की है। दरअसल यह बात मंगलवार को नरसिंहपुर में मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान कांग्रेस की महिला विधायक सुनीता पटेल ने कही है। उन्होंने मेले के उद्घाटन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अपनों और विपक्षी पार्टी के साथ साथ अपनी ही पार्टी से धोखा मिला है, जिस कारण मैं रेत का अवैध उत्खनन नहीं रोक सकी हूं। उन्होंने कहा कि हमने नर्मदा माँ की कसम खाई थी, लेकिन अपनों के कारण ही कसम पूरी न कर सकी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वायदा पूरा न कर सकी। पूरी मेहनत की, लेकिन मुझे तीन तरह से धोखा मिला। दूसरी पार्टियों से भी मिला, खुद की पार्टी से मिला, और प्रशासन से भी मिला, और सबसे ज्यादा मेरे अपनों से मिला। मां नर्मदा के सामने मैं कहने से कभी नहीं चूकती, क्षेत्र की जनता के सामने कहने से नहीं चूकती कि मेरे तन में जितनी सेवा करने की शक्ति थी, एक साल हो गया मैं चैन से नहीं रह पा रही। सुबह शाम फोन लगाती हूँ, यहाँ से रेत जा रही, वहाँ से रेत जा रही है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी थैला में छुपे रुपये ढूंढ लेते हैं, तिजोरी में रखे चोर पैसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन थानों के सामने से ट्रक जा रहे वो नहीं दिख रहे। है मेरी अचरज की बात है। जब मैं रोड पर खड़ी हो जाती हूँ तो मशीन ट्रैक्टर ऐसा था कि गाड़ा वाड़ा में जगह नहीं बची थी डंपर ट्रैक्टर और मशीनें रखने के लिए, लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरे पूरे गाड़ा वाड़ा क्षेत्र में रेत है, लेकिन रेत में रोक नहीं पा रहे। ऐसी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मैं सभी मंच पर बैठे हुए सभी लोगों से कहती हूँ कि मैं आज एक पत्र दे रही हूँ, और मैं प्रशासन से बोल रही हूँ कि मैं विधानसभा के बाद आकर मेरी तुवादत रोड पर बैठने की, मैं रोड पर बैठूंगी जब तक उत्खनन बंद नहीं होगा। अवैध या वैध जितनी भी खदान है आप उसे बंद करिए, और जब तक नीलाम नहीं हो जाए किसी से कहीं से भी एक ट्रक या एक बाल्टी भी रेत नहीं उठना चाहिए, मेरा प्रण है। क्योंकि मैंने बहुत व्यवस्था की एक साल में, जहां आवास योजना बन रहे थे मैंने कोशिश की कि आवास योजना वालों को सिर्फ रेत मिलना चाहिए, प्रशासन के अधिकारी लिखकर दे कि 4 ट्राली 5 ट्राली आवास के लिए रेत चाहिए, वो व्यवस्था भी चरमरा आ गई। मैंने लिख के दिया कि 5 ट्रैक्टर की व्यवस्था कर दी जाए हर क्षेत्र में हर खदान में, लेकिन वो व्यवस्था भी नहीं चल पाई। मेरे साथियों ने इतना गलत दुरुपयोग करके क्षेत्र की बर्बादी कर दी कि रेत आज तक नहीं रुक पा रही है। तो मनरंदा मुझे